बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pagri.com.pk। व्यूअर, जैसा कि आपको पता है कि ऑडी ईट्रॉन जो है पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो गई, जिसकी 3 दिन पहले जो है लॉन्चिंग सेरेमनी थी ऑडी लाहौर के अंदर, जो कि गुलबर्ग रोड पे है। इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल और इसकी इन्फॉर्मेशन, जो इसका एड्रेस है, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ऑडी ईट्रॉन की प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस है 14 मिलियन तक है। याद रखें, पाकिस्तान के अंदर जो ऑडी ईट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दी गई है। जहाँ तक इसके रिव्यू का ताल्लुक है, तो फ्रंट हेड में आप देख सकते हैं सेंटर के अंदर जो है वाइड एंगल जो है इसकी ग्रिल है, उसी के अंदर जो सेंटर में जो है वो ऑडी के जो बैजेस हैं, क्रोम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया, लाइट्स जहाँ तक है प्रोजेक्टर हाई बीम के साथ आपको जो है लाइट्स मिलती है, डे टाइम रनिंग लाइट, एरोडायनामिक कट्स हैं वो बंपर के अंदर आपको फॉग लैंप्स वाली प्लेस में जाके मिलते हैं। साथ ही साथ जो है बंपर में ही आपको हेडलाइट वॉशर, पार्किंग सेंसर, टोइंग हुक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो है इसका फ्रंट पे जो है आपको ग्रिल मिलती है। सेंटर ग्रिल में ही आपको जो है वो इसका फ्रंट कैम भी मिलता है, उसी के साथ जो है पार्किंग सेंसर भी मिलते हैं फ्रंट में। जहाँ तक फ्रंट की शेप है ऑडी ईट्रॉन की, तो आप देख सकते हैं काफ़ी वाइड एंगल एसयूवी टाइप कैटेगरी के अंदर बनेगी, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है कि स्पोर्टेज आती है या टूसन आती है, इसके अलावा और भी गाड़ियाँ, तो एज पर जो है ऑडी की एक अपनी ही क्लास है, उसके अपने ही रिजेंबलेंस के साथ आपको मिलती है मार्केट के अंदर। लाइक ईट्रॉन जो है बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कार है, फुल चार्ज पे जो है गाड़ी आपको 300 किलोमीटर तक का जो है आपको डिस्टेंस कवर करती है। सबसे पहली बात की जाएगा इसके साइड टायर्स की, तो इसके अंदर जो चारों टायर हैं वो इसी कॉन्टिनेंटल कंपनी के टायर हैं, जिसके अंदर जो है आपके पास 265x45R21 का जो है आपको इसका टायर साइज मिलता है, और जो है इसकी जो फोर व्हील जो है वो डिस्क ब्रेक के साथ आपको मिलता है। जहाँ तक इसकी ब्रेकिंग का ताल्लुक है, तो ABS, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल, ई होल्ड कंट्रोल मिलता है। इसी तरह ड्राइवर साइड की राइट साइड फेंडर में ही आपको जो है इसका ईट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक चार्जर पोर्ट मिलता है, जो कि ऑप्शन जो एक स्टैंडर्ड जो है वो राइट साइड है, बट ऑप्शनल जो है आप इसको लेफ्ट साइड पर भी करा सकते हैं। जहाँ तक गाड़ी के फीचर्स की बात करूँ, तो गाड़ी के अंदर जो है 360 कैम मिलता है, साइड मिरर्स के नीचे भी इसका जो है आपको कैमरा मिलता है, ताकि जो गाड़ी की पार्किंग के अंदर जो है वो आपको आसानी हो। पहली बात तो इस गाड़ी की पार्किंग के लिए कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा मुश्किल की बात नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जो है ऑटोमेटिक पार्किंग भी मौजूद है। जहाँ तक साइड मिरर का ताल्लुक है, बड़े शानदार हैं साइड डोर हैंडल, जबकि चारों दरवाज़ों में जो है इसका स्मार्ट एंट्री सिस्टम आपको लगा हुआ है। जहाँ तक गाड़ी की साइड्स हैं, वो पूरी जो है वो फ्रंट से लेके एंड तक जो है वो आपको कार्बन फाइबर शेड के अंदर जो है एक अलग ही लुक देती है। गाड़ी के शीशों के अंदर जो है वो क्रोम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। जो जहाँ तक गाड़ी का रियर साइड का ताल्लुक है, तो रियर साइड में आप देख सकते हैं शार्क फिन एंटीना मिलता है, उसी के नीचे जो है आपको रियर स्पॉइलर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक जो है डिफॉगर के साथ जो है आपको विंडस्क्रीन मिलती है, रियर वाइपर है, ऑडी का बैज है, टेल लाइट्स काफ़ी स्लीक लुक में और शानदार बनाई गई हैं। बेसिकली ये फोर व्हील कार है, आपको रियर में जो है ईट्रॉन का बैज मिलता है, उसी के साथ जो है 50 का बैज मिलता है, जिसके अंदर जो मेंशन किया गया है ये फोर व्हील ड्राइव है। यानी कि गाड़ी की जहाँ तक रूफ़ का ताल्लुक है, तो रूफ़ जो है बेसिकली आपको पैनारोमिक लुक में लगती है, बट जो इसके गाड़ी के अंदर जो है पैनारोमिक सनरूफ है हाफ सीट तक, गाड़ी के अंदर पैनारोमिक सनरूफ है जो कि हाफ है। इसके जो फ्रंट जो ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड तक है, उसका जो सनरूफ है वो ओपन हो जाता है। उसके रियर में जो है आपको नीचे इलेक्ट्रॉनिक जो है कार्बन शील्ड मिलती है, जो कि रियर सीट तक जो है वो कवर होती है, बट आपको जो सनरूफ का एंजॉय जो फ्रंट ड्राइवर और पैसेंजर सीट वाला ही कर सकता है। इसी तरह आप रियर में जो है आप लोग देख सकते हैं कि रियर में भी जो आपको जो है पार्किंग सेंसर मिलते हैं रियर में, और उसके साथ जो है रियर फॉग लैंप्स मिलते हैं। पैनो जेट ब्लैक के साथ जो है एक स्ट्रिप जो है रियर बम्पर को आपको कवर करती है, जिससे गाड़ी की लुक में काफ़ी और इजाफा होता है। रियर में आपको टोइंग हुक मिलता है, पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। जहाँ तक रियर ग्राउंड क्लियरेंस का ताल्लुक है, तो आप देख सकते हैं काफ़ी जो है इसकी हाइट पे जो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलती है, क्योंकि इसके अंदर जो है हाइट एडजस्टमेंट भी है। दो मोड है, इको एंड स्पोर्ट्स में, और इसी तरह जैसे आप मोड चेंज करते हैं तो इसकी जो है गाड़ी की हाइट जो है वो लो हो जाती है, जिससे आपको हाइट एडजस्टमेंट अच्छी मिलती है और गाड़ी का जो है स्पोर्टी लुक आपको फील होता है। जहाँ तक चार्जिंग का ताल्लुक है, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे जो इसका चार्जिंग पोर्ट लगाया गया है, जिसके अंदर जो है इसका सिंपल चार्जर है, जो कि आपके घर की जो किसी भी पोर्ट के अंदर आप उसको एडजस्ट करके इसके अंदर लगा सकते हैं, जो कि तकरीबन फुल चार्ज जो है वो 7 से 8 घंटे लेती है, और इसका जो है जो इलेक्ट्रॉनिक जो आपका कंजप्शन बिल है वो भी बहुत कम है। जबकि इसी पोर्ट के अंदर एक नीचे एक और सॉकेट भी लगाई गई है, जो कि उसके अंदर आपका जो है फास्ट चार्जर लगता है। फास्ट चार्जर की जो कम से कम जो कॉस्ट है 3000 यूरोज़ की है, वो कमर्शियल बेसिकली आता है। और अदरवाइज़ अगर हम इसकी बात करें इस पोर्ट की या इस लिड की, तो आप इसको बटन दबाएंगे तो ये ओपन होगा, और आप इसको चार्जर को इंसर्ट करेंगे और देन ये अपनी लाइट ब्लिंक करता रहेगा वाइट में, जब तक ये ग्रीन नहीं होगा तब तक ये चार्ज नहीं करेगा। और इसको उसके बाद जहाँ दूसरे पोर्ट में आप जो है यहाँ पे अपना फुल एक बड़ा कमर्शियल चार्जर लग सकता है, जो कि आपकी 40 to 50 मिनट्स के अंदर जो है पूरी बैटरी चार्ज कर देगा।
और फिर आप 300 किलोमीटर तक की दोबारा जो है वो एवरेज ले सकते हैं। ये लिड है, ऑटोमेटिक ओपन क्लोज भी हो जाता है, अदरवाइज आप बटन के जरिए भी आप इसे कर सकते हैं। जहाँ तक गाड़ी का स्टार्टअप वेलकम का ताल्लुक है, जैसे ही आप गाड़ी का लॉक ओपन करते हैं तो दो दफ़ा जो है इंडिकेटर जो है ब्लिंक करते हैं, उसके बाद जो है फुल हेडलैम्प जो है आपको वेलकम करती है। इसी तरह अगर हम रियर की बात करें तो रियर में भी आप देख सकते हैं, रियर में भी आप देख सकते हैं जैसे आप लॉक ओपन करते हैं इसके जो है इंडिकेटर ब्लिंक करते हैं, देन जो है पूरी जो है इसकी रियर स्ट्रिप में जो है पूरी एक लाइट ग्लो करती है, देन जो है ये लॉक होती है, ये लॉक ओपन होती है। तो जहाँ तक इंटीरियर का ताल्लुक है तो इंटीरियर भी जो है ऑडी ई-ट्रॉन का आपको 3-टोन गेज के साथ मिलता है, मीन इसमें ब्लैक भी है, बेज भी है, सिल्वर भी है और क्रोम का भी इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह जो है इसके अंदर आप ब्राउन भी ले सकते हैं और इस तरह का आपका बेज जो है शेड के अंदर भी आप ले सकते हैं। वेलकम डोर के साथ लाइट्स मिलती हैं, चारों दरवाजे जो है पावर के साथ आपको मिलते हैं, ऑटो के साथ साइड में कंट्रोलर मिलता है, साइड कर्टन आप मैनुअली लगा सकते हैं, लॉक्स जो हैं वो इसके डोर हैंडल में दिए गए हैं, मेमोरी एडजस्टमेंट सीट्स इसके अंदर आपको मिलती हैं जो कि ड्राइवर साइड के अंदर है, टू वे प्रोफाइल एडजस्टमेंट है, ट्रंक ओपनर का भी आपको बटन मिलता है। जहाँ तक ड्राइवर सीट का ताल्लुक है तो ड्राइवर सीट जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक मोटर के साथ मिलती है जिसके अंदर जो है थ्री वे एडजस्टमेंट होती है, जिसके अंदर हाइट है, रिक्लाइनर है, फ्रंट बैक का सीट अप एंड लो का भी जो है इसके अंदर एडजस्टमेंट आपको मिलती है। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपको ऑडी का जो है सिग्नेचर स्टेयरिंग मिलता है। ऑडी ई-ट्रॉन के अंदर जो है आप लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है आपको मल्टीमीडिया कंट्रोलर के साथ मिलता है, क्रूज कंट्रोल के साथ मिलता है। जहाँ तक ई-ट्रॉन के मीटर का ताल्लुक है तो मीटर के अंदर आप देख सकते हैं आपको 260 के जो है स्पीडोमीटर के साथ जो है वो आपको मीटर मिलता है, बट इसकी जो टॉप स्पीड है मार्केट के अंदर वो 180 है। रेंज आपको बताएगा कि 256 किलोमीटर बाकी इसके अंदर रिमेनिंग रेंज रहेगी, या लाइट्स का बताएगा, मल्टीमीडिया का आपको ऑप्शन देगा, इसी तरह जो है आपको RPM की देगा, गियर्स का ऑप्शन देगा, तमाम जितने भी इसके फीचर्स हैं वो इसके इलेक्ट्रॉनिक आपको मीटर के अंदर डिस्प्ले हो सकते हैं। जहाँ तक सेंटर हेड का ताल्लुक है तो सेंटर के अंदर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिस इंफोटेनमेंट के साथ साथ गाड़ी के तमाम ऑप्शन आपको बताएगा। सेकेंड LCD के अंदर जो है आपको गाड़ी की जो है वो आपको वेंटिलेटेड सीट्स के मुतालिक बताएगा, कितने परसेंट जो है गाड़ी के अंदर आपकी कितनी कूलिंग, कौन सी सीट कूल पे है, कौन सी कूल हीट पे है। इस तरह क्लाइमेट कंट्रोल जो है तकरीबन जो है आपको इसके अंदर मिलता है। उसी के नीचे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिलता है, रियर फॉग लैंप्स का मिलता है, रियर डिफॉगर्स का मिलता है, फ्रंट डिफॉगर्स का मिलता है, ड्राइव मोड सेलेक्ट का ऑप्शन आपको मिलता है, अपने स्पोर्ट मोड पर रखना है या इको मोड पर रखना है, हाइट एडजस्टमेंट मिलती है, हिल असिस्ट मिलता है। गियर्स का जहाँ तक ऑप्शन है तो इसके अंदर आपको रिवर्स, न्यूट्रल, पार्किंग, ड्राइव एंड स्पोर्ट और उसके तमाम के तमाम इसके फीचर्स जो हैं आपको स्लीवर्स के अंदर आपको मिलते हैं। इसी के साथ गियर बॉक्स के साथ ही आपको जो है इसका पुश स्टार्टअप का आपको बटन मिलता है, इंजन ऑन ऑफ का, साथ ही पार्किंग होल्ड का आपको बटन मिलता है, ई पार्किंग आपको ब्रेक मिलती है, लाइट्स जो हैं आप इसके अपने मर्जी से लगवा सकते हैं, मीन इस गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको आफ्टर मार्केट लगवानी पड़े। इस तरह आप जो है यहाँ लाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक सनरूफ है आप देख सकते हैं जो पैनारोमिक सनरूफ है जो कि बट आपको जो है वो इंटरटेन जो है फ्रंट पैसेंजर और जो है ड्राइवर की इंजॉय कर सकता है। यहाँ लाइट्स में आप देख सकते हैं मल्टी कलर लाइट्स है इसकी। गाड़ी के अंदर जो है आपको पैडल शिफ्टर के साथ जो है वो इसका स्टेयरिंग मिलता है, क्रूज़ कंट्रोल गाड़ी का आपको मिलता है, इस गाड़ी के अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है। इसी तरह आपको गियर नॉब पे ही आपको बटन मिलता है जहाँ पे आप पार्किंग का लगा सकते हैं, क्योंकि गियर लीवर जो है इसका सिक्वेंशियल मूव नहीं है, बट आप जो है इसका बाकी ऑडीज की तरह इसके वेरिएंट की तरह इसका भी गियर नॉब वैसे ही वर्क करता है। जहाँ तक स्टेयरिंग का ताल्लुक है तो स्टेयरिंग में आप देख सकते हैं मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, उसी के साथ जो है क्रूज़ कंट्रोल मिलता है, लाइट्स का एडजस्टमेंट आपको मिलता है कि रेन में जो है आप लाइट्स कैसे डाउन कर सकते हैं, रियर में आपने कैसे चलानी है, ऑटो कौन सी लाइट रखनी है। जहाँ तक रियर का ताल्लुक है तो रियर में भी आप देख सकते हैं लाइट जो है आपको काफ़ी इसकी चार्मिंग इसका एहसास होता है गाड़ी के अंदर की तरह जो है स्पोर्टी लुक है, आपको काफ़ी जो है लग्जरियस लुक फील होती है, एक आपको जो वेलकम है इस गाड़ी का वो बड़ा ज़बरदस्त आपको फील होता है। कर्टन जो है वो आप इसको मैनुअली जो है वो अपने एडजस्ट कर सकते हैं कि आया आपने लगाने हैं या इसको आपने रिमूव करना है। रियर में AC के वेंट्स हैं, उसी के अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, आप उसकी सीट की एडजस्टमेंट, आपकी फ़ैन की, आप AC की परफॉर्मेंस को आप सेट कर सकते हैं। जहाँ तक बूट का ताल्लुक है तो आप देख सकते हैं आप इसको ड्राइवर डोर से भी एडजस्ट कर सकते हैं, वहीं से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं जो कि पावर बूट के साथ आपको ऑप्शन मिलता है। इस तरह अगर हम बूट की बात करें तो बूट के अंदर काफ़ी वाइड एंगल स्पेस मिलती है, काफ़ी ज़्यादा आप लगेज जिसके अंदर रख के जा सकते हैं, ट्रंक लाइट्स हैं, उसी के साथ जो सीट के एडजस्टमेंट के बटन भी आपको यहीं मिलते हैं। और इसी तरह आप बूट या ड्राइवर डोर से भी आप क्लोज़ कर सकते हैं और अदरवाइज़ जो है आप इसको अपनी की से भी जो है वो ऑन ऑफ कर सकते हैं।
जहाँ तक इसके फ्रंट का ताल्लुक है तो क्योंकि बेसिकली ये गाड़ी जो है इलेक्ट्रॉनिक है, इसके अंदर इंजन तो होता नहीं, वाइपर बोतल है इसके अंदर, जो है आपको एसी का फिल्टर मिलेगा, ब्रेक फ्लूड्स होंगे और अदरवाइज जो है इसकी फ्रंट की काफ़ी जो स्पेस है वो भी आपके जो है एक्स्ट्रा यूजेज में आता है। फ्रंट में जो है इसका इंजन तो नहीं है, बेसिकली इसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको, लाइट से कंट्रोल। फ्रंट हुड के अंदर एक और हुड है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको इसका डीसी चार्जर मिलेगा, इसका जो सिंपल चार्जर मिलेगा, और इसी चार्जर के नीचे जो है आपको इसका जैक रॉड पाना मिलेगा और साथ ही साथ कंप्रेसर किट मिलेगी। तो व्यूअर्स यह था ऑडी ई-ट्रॉन का रिव्यू। अगर आपको पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पार्क डील ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।